खबर दें आपको बहावलनगर से, जहां एबीसी न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार हुसैन पठियार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर निगहबान रमजान पैकेज के तहत जिला बहावलनगर में भी मुस्तहिक खानदानों में फूड हैम्पर्स की डोर टू डोर तकसीम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम के लिए खुद फील्ड में मुतारिक हैं। डिप्टी कमिश्नर ने आज फूड हैम्पर्स की तकसीम का जायजा लेने के हवाले से अचानक दौरा किया। उनके हमराह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कयूम कुदरत, असिस्टेंट कमिश्नर्स बहावलनगर मुतलिक महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने तकसीम के अमल और डाटा एंट्री का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तहिक खानदानों से फूड हैम्पर्स की तकसीम के हवाले से मालूमात ली और अपने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के निगहबान रमजान पैकेज के तहत जिला रजिस्टर गरीब और मुस्तहिक घरानों में फूड हैम्पर्स उनकी दहलीज पर मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से जिला भर में टीमें तश्कील दे दी गई हैं।